नमस्कार, जय आरसीएम। मैं शिवम दुबे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रॉयल टीम के इस चैनल पे। आज आपसे एक मेरा सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? आप जहां भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर सोचिए कि आपका जवाब क्या होना चाहिए। मैं आज इस टॉपिक पर इसलिए बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं RBI का एक रिपोर्ट पढ़ा जिसमें से कि बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट था लोगों के सामने। वो समय जिस समय आपको सबसे ज़्यादा रुपए की ज़रूरत होती है, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिस समय आप बिल्कुल काम करने के लिए योग्य नहीं होते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा रुपए की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब ये सारे चैलेंज आते हैं तो बहुत सारा रुपया आपका मेडिसिन में खर्च होता है। उस समय बहुत ज़रूरी होता है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग अगर आपने अच्छी कर रखी है तो आपका जो बुजुर्गावस्था है, जो वृद्धावस्था है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बीतता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कीजिए। RBI की एक रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, दोनों कंडीशन में कमेंट जरूर करें। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि 77% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लापरवाह है इस रिटायरमेंट की प्लानिंग को लेके, बिल्कुल उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। वो इस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, वो कहते हैं कि ज़िंदगी 4 दिन की है, मज़ा ले लो, जी लो, शायद ये मौका दोबारा, ये ज़िंदगी दोबारा ना मिले। और इस लापरवाही में वो जब जवानी के अवस्था में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको वो मैनेज कर लेते हैं। सिंगल होते हैं तो वो एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके कंधे पे आते जाती हैं, तो उनको बहुत लेट से इस बात का एहसास होता है कि यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। ऐसे 77% लोग हैं। 13% लोग ऐसे हैं जो प्लानिंग तो करते हैं रिटायरमेंट की, कि हाँ मुझे रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, लेकिन इसको वो अमल में नहीं ला पाते हैं, सीरियसली उस पर कुछ काम नहीं कर पाते हैं। और मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो सच में अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट वो बड़ी शानदार अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। अब मैं बात करता हूँ 77% लोगों की। इनसे पूछा गया कि आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग क्यों नहीं की, आपने अपने इनकम के समय में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया एक फ्यूचर के लिए। तो इन लोगों का कहना ये था, 77% लोगों का कहना ये था कि हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे बच्चों पे था, यानी कि अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्होंने खूब सारा रुपया इन्वेस्ट किया और पूरी ज़िंदगी की कमाई बच्चों पे लगा दी। अब सीन ये हुआ कि जब बच्चे एजुकेशन लेके बाहर निकले, वो जॉब करने गए, उनकी शादी हुई, उनकी भी फैमिली आ गई। ये मिडिल क्लास फैमिली के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है। और जब उनकी भी फैमिली आ गई तो उनके भी बहुत सारे खर्चे होने लगे। तो जब उनके बहुत सारे खर्चे खुद के परिवार के तरफ होने लगे, परिवार के ऊपर होने लगे, तो वो फैमिली से कटने लगे, वो थोड़ा दूर होने लगे। इसके वजह से वो अपनी फैमिली में इतने बिजी हो गए कि वो अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को या परिवार को वो संभालने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि इनकम उनकी उतनी ही होती थी जिससे उनका और उनके बच्चों का किसी तरीके से पालन पोषण हो सके। 13% लोग चाह के भी नहीं कर पाते थे, 10% कर पाते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो सीरियसली अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हो कि एक शानदार ज़िंदगी आप जिए तो आपको आज और अभी एक रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब उसमें एक और रिपोर्ट थी, उन्होंने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए बताया था कि किस तरीके से आप सेविंग करें। उन्होंने 50-30-20 ये 3 क्वाड्रेंट में आपके इनकम को बांटा। उन्होंने कहा कि 50% आप अपनी ज़रूरतों पे खर्च करिए जो आपकी ज़रूरत है, 20% आप अपनी इच्छाओं पे खर्च करिए, और बाकी के जो बीच 20% हैं, 20% वो आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ है कि एक फैमिली है जिसकी इनकम 20,000 है या 30,000 है, जिस फैमिली में दो बच्चे हैं, वाइफ हैं, पेरेंट्स हैं, तो उसके फैमिली के खर्चे ही अगर हम पर मंथ के देखें तो 50 से 60 हज़ार रुपये चले जा रहे हैं, किसी तरीके से वो मैनेज कर पा रहा है। तो इस परिवेश में अगर 20% सेविंग की बात करें तो काफ़ी टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस परिवार के सामने आ जाते हैं। एक लिमिटेड इनकम वालों से अगर हम इस तरीके की बात करें तो शायद वो इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि इनकम लिमिटेड है, खर्चे कभी कभी तो उनके इनकम से कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं।
ये चैलेंज कभी भी हो सकता है किसी के साथ, अचानक से कोई कैजुअल्टी हो गई, भगवान ना करें, उसमें लोगों के खर्च चले जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों के स्कूल में एक्टिविटीज़ होते रहते हैं उसमें चले जाते हैं, अचानक से बच्चों की फ़ी बढ़ गई उसमें चले गए, यानी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। और ये भी है कि पता चला कि एक ही वेडिंग सीजन में आपके रिश्तेदारों में 25-50 शादियाँ पड़ गई, तो ये सारे खर्चों को देखने के बाद लोग ये कदम नहीं उठा पाते हैं कि अपने इनकम का वो 20% सेविंग मोड में रखें। इन सारी चीज़ों से इतर अगर आप चाहते हैं कि आपका रिटायरमेंट शानदार हो, जबरदस्त हो, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए आप अपने वृद्धावस्था भी बहुत शानदार तरीके से जिए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं और जहां भी कर रहे हैं उसके लिए, रिटायरमेंट के लिए आप नेटवर्क बनाना शुरू करिए। क्योंकि अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप कभी भी रिटायरमेंट का दुख नहीं झेलेंगे, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी एक शानदार इनकम आपकी हमेशा बनी रहेगी। एक ऐसा नेटवर्क जो पैसिव इनकम आपके लिए क्रिएट करेगा, जब आप काम पे नहीं जाएंगे, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियां जवाब दे देंगी, उस समय जब आपकी इच्छा बिल्कुल घर से बाहर निकलने की नहीं होगी, उस समय भी आपके अकाउंट में लाखों रुपये ट्रांसफ़र होंगे, अगर आपने एक बढ़िया और मजबूत नेटवर्क बनाया है। 21वीं सदी नेटवर्क मार्केटिंग का है, और आप सबको एक मौका देता है RCM बिजनेस, बिना एक रुपए इन्वेस्टमेंट के किए हुए, बिना एक रुपए इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का, और इतना शानदार नेटवर्क कि अगर आप 30 साल के हैं तो आप 35 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं, आप 40 साल में ले सकते हैं, आप 45 साल में भी ले सकते हैं, आप 55 के हैं तो आप 60 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं, आप 50 के हैं तो 55 साल में ले सकते हैं। ये सब डिपेंड करेगा आपके नेटवर्क के ऊपर, आपके एबिलिटी पे ऊपर के ऊपर, और आपके काम करने के तरीके पे। जितना जल्दी, जितना बड़ा नेटवर्क आप बनाएंगे, उतना जल्दी आप एक रिटायरमेंट लेंगे। और यकीन मानिए कि आपके पास खूब सारा रुपया है और काम का कोई वर्डन भी नहीं है, उस समय रिटायरमेंट के साथ साथ आपके पास खूब ढेर सारा रुपया रहेगा। और रिटायरमेंट जो ले लेता है उसके पास ये कहा जाता है कि खूब ढेर सारा समय होता है, और एक शानदार संयोग आपके साथ बनेगा कि खूब ढेर सारा रुपया भी है, खूब ढेर सारा समय भी है। आप पूरे परिवार के साथ घूमिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ घूमिए, और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का एक मौका आपको मिलता है। अगर आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आज और अभी से RCM करिए और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाइए, और एक डेडलाइन खींचिए कि इतने समय के अंदर मुझे रिटायरमेंट ले लेना है। मेरा जो एक प्लानिंग है वो है कि 2025 तक, मोर देन 2025 तक मुझे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, और अपनी ज़िंदगी में एक शानदार एक रिटायरमेंट की प्लानिंग के साथ साथ एक शानदार ज़िंदगी 2025 तक काम करूंगा, उसके बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा। और अपने साथ साथ मैं बहुत सारे लोगों की प्लानिंग कर रहा हूं, रॉयल्टी और टेक्निकल की, ताकि वो लोग भी जब मेरे पास समय हो, मेरे पास रुपया हो, तो उनके पास भी समय, उनके पास रुपया हो, क्योंकि एंजॉय करने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे, टीम के बहुत सारे लोग रहेंगे, तो यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा। और इसी चीज़ के लिए रॉयल टीम 10 सिटीज़ प्रोग्राम कर रही है अप्रैल में, कि किस तरीके से प्लानिंग करें और किस तरीके से एक शानदार नेटवर्क बना के बहुत जल्द रिटायरमेंट के बारे में आप सोचें और रिटायरमेंट लें। आपके पास भी मौका है कि आप 77% में आना चाहते हैं या 13% में या 10% में। आप आज और अभी सोचिए और सीरियसली नेटवर्क बनाने के चक्कर में पड़ जाइए, नेटवर्क बनाइए, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क होगा रिटायरमेंट उतनी ही शानदार होगी। आपने वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आर सिंह।